तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड ऑफ पर्सन जो है, स्पीड ऑफ व्हीकल जो है 220 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे जो पर्सन है उसकी स्पीड समझो 6 मीटर पर सेकंड है। तो क्या आप मेरे को अभी रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करके बता सकते हो क्या? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? किसी को अगर ब्लर वगैरह हो रहा होगा तो बता दो, हम थोड़ा सा नजदीक लेके आ जाएंगे इसको। अभी दिखाई दे, sometimes it takes, tell me what is the relative speed of car with respect to person? अच्छा मेरे को बताओ, what is the relative, what is the speed of car with respect to ground? 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, एकदम तुम लोगों को आंखें हैं, दिखाई दे रहा है। what is the speed of person with respect to ground? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, what is the speed of person with respect to car? पर्सन स्पीड ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार, या स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड। यस, कितना आया? 14 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसे कैलकुलेशन तुम कर नहीं पाओगे? ऑब्वियसली ऐसे ही प्रॉब्लम ज्यादा आप लोगों को एग्जामिनेशन में, जिसमें पहले रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके फिर उसके थ्रू फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वन ऑफ द इजिएस्ट टेक्निक है, उस चीज को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही कोई तो थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो हम लोगों ने ये चीज को ऑब्जर्व कर लिया। तो कभी कभी भूले भटके हमारे दिमाग में कभी भी आ जाता है कुछ भी, तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी अगर क्लास में ज्यादा अगर आपको लग जाता है कि सर अभी टॉपिक से दूर जा रहे, तो थोड़ा सा रोक दिया करो, सर रुको, दिमाग से ऊपर से जा रहा है ना, तो सर रुक सकते हैं। तो डेफिनेटली देखो, अभी वैसे दिमाग के ऊपर से जाने वाली ऐसी कोई चीज है मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है। तो रिलेटिव एरर में आप लोगों ने क्या किया? अब आपने रिलेटिव एरर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड को फाइंड आउट किया, यानी आपने क्या किया कि जो आपकी जिसके भी रिस्पेक्ट में है ना, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा ए एम यानी जो रिलेटिव एरर था, एब्सोल्यूट एरर जो था, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, कुछ कुछ लोग इसको ट्रू वैल्यू के नाम से भी बोलते हैं, तो घबराना मत, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू की मीनिंग एक ही है ना। ट्रू वैल्यू यानी एकदम सच्ची मुच्ची वैल्यू, वैल्यू और हमने ये निकाली वो कोई पागल वाली वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू वही है। तो इसको हम लोग ए मीन और डेल्टा ए मीन, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे? रिलेटिव एरर। अब ये सिंपली जो चीजें होती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस के तौर पे इसको करते हो, है ना। जैसे हम लोगों को बताया 100 मार्क का पेपर हमने कितना सॉल्व किया? अब डेफिनेटली तुम लोग अगर हो गए तो तुम लोग बोलोगे कि सर हमने 100 में से पूरा 100 सॉल्व कर दिया, है ना। सर के लोगों को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, घर वालों को हम लोग यही रीजन देते, लेकिन हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं उनको हम एग्जैक्टली बताते हैं कि कितने मार्क का छुड़ाया करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबके सामने झूठ बोलते हैं, उसको खुद को पता होता है उसने कितना पेपर छुड़ाया है, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है, तो हम लोगों को बताया जैसे 100 मार्क का पेपर है, आप लोगों ने टोटल कितना छुड़ाया? 20 मार्क का छूट गया आपसे, और कितने मार्क का था? 100 मार्क का। तो इसके जो भी कैलकुलेशन करोगे दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। तो सिंपली है, 80 का आप लोग अगर 80 मार्क्स का पेपर अगर सॉल्व करेंगे 100 के कंपेरेटिवली, तो परसेंटेज तो 80 रहेगा ना, 80 में से 80% फिर तुम्हारे किस्मत से कितने मिलते हैं वो बात अलग है, दैट इज द अननेसेसरी एरर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। 60 मिलेंगे परसेंटेज, या फिर 70 मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। अभी तो बच्चों को परसेंटेज के नंबर्स जो है वो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा रहता कि 40, 45, 55 ऐसे परसेंटेज मिलते थे। हाँ, बच्चे में टैलेंट रहता था, वो बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन परसेंटेज का जो नियम था वो थोड़ा सा कम था, डाउनफॉल था। अभी हमको फुकट के मार्क नहीं मिलते थे, हमको 30 मार्क हो गए प्रैक्टिकल के, 20 मार्क हो गए प्रैक्टिकल के, है ना, फिर असाइनमेंट ऐसे वैसे करके सब मार्क जोड़ देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है मेरे को इतने परसेंटेज मिल गया। बेटा तुम अभी भी 20 और 30% पुराने लोगों से पीछे ही हो, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो भी आगे लोग गए हैं वो लोग भी इसी कंडीशन से जूझ रहे हैं। तो चलो इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला लिख लो,
लॉजिकली समझ में आया ना रिलेटिव एरर किस तरीके से होगा, तो वैसे हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस में आप लोगों को ये पार्ट जो है वो समझ में आएगा। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर निकाला है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो तुम लोग? हंड्रेड से बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है मेरे को, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन हो जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है वो मिलेंगे। सो इसको लिख लो और फिर हम लोग एक अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर उसको कंप्लीट होने के बाद में बाकी जो चीजें हैं। फिर इस चैप्टर में ऐसा कोई ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी चीज है वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ये सारी चीजों को सॉल्व करते हैं किस तरीके से किया जाता है और फिर उसके बाद में हम लोग लाइट लगा तो ज्यादा ही शाइन कर रहा है। अच्छा चल, तो इस तरीके से समझो अब ये लिखने हो गए सबके फॉर्मूले लिखने हो गए, बताओ एक एग्जांपल। चलो हाँ सर। हाँ, फाइव फ्रेंड्स राइट डाउन द प्रॉब्लम। ओके हाँ समझ में आ गया, मैं सोचता हूँ आगे। फाइव फ्रेंड्स मेजर द लेंथ ऑफ बैट, क्रिकेट बैट, अगर कोई दूसरी बैट लेंगे तो वो भी लेंगे, तुम्हारा गिल्ली डंडे वाला भी लेना है। तो 5% व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू म्यूट योर ऑडियो, इससे कैसा था मेरे कान में तकलीफ होती है। सर न्यूज बंद करो मना। हाँ काय टेस्ट म्हणून होणार होतो ना, ना आपल्याकडे इकडे पूर्ण सह्याद्री चैनल चालू है, कशाला न्यूज चालू कराए। अच्छा आज लिख लो अपने इसमें। हाँ तो 5% मेजरिंग द लेंथ ऑफ द बैट, आई कैन टेल यू एनी वन कि आप ऐसे रहो या वैसे रहो, मेरा कभी नेचर नहीं है कि मैं किसी को समझाऊ कि यार आपने इस तरीके से रहना चाहिए। इट्स योर डिसिप्लिन हाउ टू बिहेव इन क्लास, है ना, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब सिंपल छोटे से वर्ड्स में अगर हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे तो हमको हमारे हमारी सभ्यता पता है, तो हमने क्लास में कैसे बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी बहुत अभी मस्ती मजाक के लिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ज्यादा कम्युनिकेट कर लेता हूँ ये पता लग गया, तो हालांकि वो प्रोफेशनली मेरे को ये चीज करनी भी जरूरी है ताकि आप लोग बोर ना हो, नहीं तो पता चला किसी और के पास भाग के चले जाओगे पढ़ने के लिए। तो चलो रिलेटिव एरर हम लोग फाइंड आउट करते, तो राइट डाउन द प्रॉब्लम। 5% मेजरिंग द लेंथ ऑफ बैट, क्रिकेट बैट भी बोल सकते हो, एंड ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू आर, देन ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यूज आर, डल्ली वेदर है इसकी वजह से आपको व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, कल अपन इसको रिपेयर कर ले। इंटरेस्टिंग, अगर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी हो जाती है क्वालिटी तो आप लोगों को इस समय में सही दिखाई देंगे। तो 5% measure the length of the bat, then the and the individual value observed to be, समझो पहला person जो है उसने bat की जो length है nearly कितनी होती है cricket bat की length? three meter की centimeter? three क्या? 2.5 feet or 3 feet? 3 feet यानी लगभग समझ लो 90 centimeter। चलो तो 90 के हिसाब से कर लेते, और कोई सी जरूरी नहीं बोला, ले लो 60 ले लो, 90 ले लो, कोई ऐसा एग्जैक्टली वैल्यू की जरूरत नहीं। 90.04 पहले वाले ने इतनी सेंटीमीटर मेजर की, दूसरा वाला जो था उसने जो मेजर, कैवल्य बावने
बेटा आप अपना न्यूज चैनल वाला जो है ना वो थोड़ा बंद रखो बेटा, मेरे को इंडिविजुअली किसी को बताने की जरूरत मत करने को। A1 की जो वैल्यू है 90.04 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू जो है वो कुछ 90.10 सेंटीमीटर आप लोगों का है, A3 ने जो है वो मेजरमेंट कैलकुलेट किया है, थर्ड पर्सन जो था उसने कुछ 91.91 बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरिएशन ज्यादा आएगा, तो 90.06 आप लोगों को दिखाई देगा सेंटीमीटर। और जो A4 पर्सन है उसने जो वैल्यू मेजर की है वो है आप लोगों का 90.08 सेंटीमीटर आप लोगों को दिखाई देगा। और जो 90 A5 जो है उसकी वैल्यू जो है लगभग 90 सेंटीमीटर। ऐसे पांच लोगों ने जो बैट का मेजरमेंट था उस बैट के मेजरमेंट को कैलकुलेट किया, और इतना कुछ तो भी मेजरमेंट आ गया जिसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये 5% है, ये 5% में ठीक है, तो इस तरीके से 90.04, 90.10, 90.06, 90.08, 90.00। अब देखो इस चीज में मैं कुछ चीजें लिखी है, पॉइंट डेसिमल के बाद में मैंने दो डिजिट्स का और ज्यादा इंप्लीमेंट किया, ये चीज मैंने जानबूझ के ली क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज इस चीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग वॉच देखते हो, डिजिटल वॉच तुम्हारी, तो डिजिटल वॉच में तुम लोगों को कुछ इस तरीके के सिंबल्स दिखाई देते, 7 स्केल डिस्प्ले जिसको हम लोग कहते हैं, LED में आप लोगों को ऑब्जर्व होता है, तो ऐसे 7 स्केल के डिस्प्ले होते हैं, है ना, तो इसमें ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को ऑब्जर्व होते हैं और इसमें आपको ऐसी वैल्यू दिखाई देती है। इसकी मदद से ये कुछ मिनट्स में है, mm, ये सेकंड में, तो इसके ऊपर में समझो अगर ऐसी वैल्यू अगर दी हुई है तो अब समझो ये हमारे जैसे कैलकुलेशंस वगैरह कैलकुलेट करते, तो ये जो लास्ट के जो डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट रहते हैं वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अपने को, किसी को पता है? हम हमेशा वॉच देखते हैं, किसी के वॉच में मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड, ये तीनों हैंड्स एक ही साथ में है क्या? हाँ, सभी के घर में होगा, किसी के घर में ऐसा तो नहीं है सिर्फ मिनट और आवर है सेकंड वाला गायब है, घबरा मत, अगर भी होगा तो भी वो है ना, तीनों भी काटे हैं ना तुम्हारे इसमें। अब ये तीनों काटे में हर काटा अपनी एक कहानी डिफाइन करता है, आवर्स एंड के पीछे रिस्ट्रिक्शन है, सेकंड हैंड के पीछे भी रिस्ट्रिक्शन है और मिनट हैंड के पीछे भी रिस्ट्रिक्शन है। मेरे को बताओ आवर हैंड कब मूव कर सकता है? जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाए। हाँ, जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाए, यानी आवर हैंड का मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? मिनट हैंड। हाँ, ये जो है बीच में बोलने की कोशिश कर रहा है उसका नेटवर्क नहीं है। मिनट हैंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? सेकंड हैंड के ऊपर में डिपेंड रहेगा। इसका मतलब है कि सेकंड हैंड भी मूव कर रहा है तो वो भी किसी के रिस्पेक्ट में कर रहा होगा। हाँ, है ना, डेफिनेटली, जिसको आप लोग कहते हो अर्थ की घूमने की तरीका या अर्थ की फील्ड, है ना, अर्थ के मोशन के वजह से भी हम लोगों को समय का पता चलता है ना, तो उसी तरीके से तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब क्या है, जब आप एक पर्सन के रिस्पेक्ट में दूसरे पर्सन के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो उसके मूवमेंट के या मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको कहा जाता है मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्या कहा जाता है? मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू। हाँ, मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू, तो मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू जो होती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स आते हैं, यानी होता है ना किसी किसी को ऐसी बिल्कुल किसी किसी में ऐसा ज्यादा एंथुजियाज्म होता है कि अगर किसको अगर किसी को अगर बैट की लेंथ का मेजरमेंट अगर करने के लिए बोला तो वो हर एक कॉर्नर को भी वो अच्छी तरीके से मेजर करके हमको लेंथ बताएगा, तो उसकी वजह से कैसा हो जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो होता है
उसकी जो एक्यूरेसी होती है जिसको हम लोग एक्यूरेसी या मोर प्रिसाइसली जो होता है वो टर्म्स को डिफाइन करना चाहते हैं. मोर प्रिसाइसली डिफाइन करना यानी ज्यादा से ज्यादा डीप में जाके उसके वैल्यूज को कैलकुलेट करना. तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं. तो ये डेसिमल पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस किया है तो हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक के मेजरमेंट कर सकता है, तो 0.01 है ना, 0.00 यानी ऐसा बोल सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में और दो डिजिट तक के वो क्या कर सकता है, वैल्यू को मेजर कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज द मोर प्रिसाइज वैल्यू दैट वी कैन कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. यानी उस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मोर प्रिसाइसली उस चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो चीजों को हम लोग इसी तरीके से दो देखते हैं. अब मेरे को बताओ इसकी एवरेज वैल्यू तुम निकाल सकते हो, 5% है, सभी की वैल्यूज दी हुई है, सभी की एडिशंस करोगे डिवाइडेड बाय 5 करोगे, निकाल पाओगे ए मीन? हाँ ना बोलो. हाँ सर. क्या इन सभी, चलो निकालो जल्दी ए मीन निकालो और ए मीन बताओ मेरे को कितना आता है. तो कैलकुलेट करो ए मीन. लेट मी चेक आउट. भैया घर पे, घर के सह्याद्री चैनल्स को ऑफ करके रखा करो, सो आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर न्यूज फ्रॉम योर होम साइड. वो गलत नहीं आएगा फिर. सर 450.25 आता है. हाँ 450.25 आता है, 25 आएगा या फिर. अच्छे से कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं है. अगर किसी की अगर गलती भी हो जाती है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को पता है किसने बोला है. तो ये आप और अच्छी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं होता. एक बार पहली बार बिल्कुल कभी कभी हो जाती है, एक दो वो नंबर हमारे हाथ से मिस हो जाते हैं. तो ये हो गई इसकी ए मीन वैल्यू. अब मेरे को बताओ हर वैल्यू में अब एब्सोल्यूट एरर कितना है. पहली वैल्यू में डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए वन, कितनी है वैल्यू, कितना आएगा आंसर? 90.04 और ये 90.05 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.01. सही है इस तरीके से. दूसरे इसमें कितना आएगा और ओरली बता दो, क्या 0.05 आएगा? हाँ पर सर माइनस में जाएगा. चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी हो तो भी हम लोग प्लस में ही लेंगे. दूसरे इसमें माइनस 0.01, इसमें माइनस 0.03, हाँ 3, और इसमें 0.05. दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फाइव. कर लोगे? हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ कर लोगे ना? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, एकदम गुणकारी औषध हो तुम लोग, बाबा जी की तरह प्रयास कर. अवयोगर ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, तुम्हारे दिमाग के अंदर का कीड़ा निकालना है तो फल आराम रहे हो. बाबा डिवाइडेड बाय 5 अगर कर दोगे तो क्या मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल लो.
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री जो भी है डिवाइडेड बाय 5 कर दो और अप टू 2 डेसिमल ही निकालना। अगर उससे अगर ज्यादा वैल्यू अगर आती है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट एक चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है, यानी 0.00, तो उधर वहीं तक के आप लोगों का आंसर निकालना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यानी तुम्हारे पास में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 डिग्री टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन दिखा सकता है और तुमने 0.01 का भी ऑब्जर्वेशन कर लिया तो सामने वाला चक्कर आके गिर जाएंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट था नहीं, फिर भी इसने मेजरमेंट कैसे कर लिया। ये क्या है 0.05 + 0.05 + 0.01 + 0.01 + 0.03, ये 2 2 2 3 4 5 5 5 15 0.15 / 5 तो 0.03 एवरेज आया, 0.03 आया, बस हो गया। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिल गया, यानी डेल्टा ए मीन की वैल्यू मिल गई, उसको अब मीन वैल्यू से डिवाइड करो और किसके बारे में निकालो इंफॉर्मेशन, रिलेटिव एरर, किसके बारे में, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो चलो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो ठीक है मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता और निकाल के देता हूँ। 0.03 वैल्यू है, आप लोग भी चेक कर लो। भक्तजनों से निवेदन है कि वो निकल प्रयासों के बाद वे निकले हुए पर्याय को सही तरीके से चुनाव कर कर अपनी पुस्तकों में लिखित करें, जो भी है वो टक 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ती पहुंचने के। चलो तो हम लोग अभी निकालेंगे रिलेटिव एरर, क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या बताएगा, बोलो 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 बोलते चलो। डेल्टा ए मीन माइनस को नहीं लेना, डिवाइड बाय माइनस को, डिवाइड बाय ए मीन माइनस को लेना ना, लेना ना माइनस भी लेना बेटा, लेकिन माइनस को भी प्लस में लिख के लेना, माइनस करके नहीं लेना रिजल्ट में सबका, नहीं माइनस बिल्कुल नहीं लिखना, माइनस किसी केस में नहीं लिखना, ना रिलेटिव में लिखना ना एब्सोल्यूट में लिखना, किसी चीज में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट डिफाइनिंग द डायरेक्टेड टर्म यानी डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग बैट ऑफ लेंथ को मेजर जब करते तो हमारे पास में कोई डायरेक्शन का लिमिट थोड़ी है, तुम ऊपर से नीचे तक के मेजरमेंट करते हुए लेके जाओ या नीचे से ऊपर मेजरमेंट करते हुए लेके जाओ। मैंने आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन दिया कि नीचे से ऊपर तक की मेजरमेंट करना है करके, है कि नहीं, नहीं। आप लोग हमेशा जब बैट की मेजरमेंट करते हो तो वर्टिकली मेजर करो, ये थोड़ी जरूरी है, आप हॉरिजॉन्टली भी उसको मेजर कर सकते हो, है कि नहीं। अब समझो तुम लोग टेलर के पास में गए तो टेलर हमेशा डॉक्टर की तरह सुला के थोड़ी ना हमारा मेजरमेंट लेता है पैंट वैंट का, है कि नहीं, हमको खड़े खड़े भी मेजरमेंट ले लेता है ना, अगर ऐसी अगर चीजें होती तो उसको हम लोग कहते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, ऊपर से नीचे तक के मेजर करते आओ या नीचे से ऊपर तक के मेजर करते आओ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो उसी लिए वैल्यू जो होती है, तो डेल्टा ए मीन या ए मीन इसको कैलकुलेट कितना है, डेल्टा ए मीन 0.03 डिवाइडेड बाय ए मीन की वैल्यू 90.05, गुड, इसके कैलकुलेशन कर लो, फाइनल आउटपुट बताओ मेरे को रिलेटिव एरर, और उसके बाद में 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, रिलेटिव परसेंटेज एरर आ जाएगा, इसमें 2 डेसिमल गए तो 3 डिवाइडेड बाय 9005 एवरेजली अगर देखा जाए तो ये 9000 अगर हो गए तो ये 10^3 हो गया, माइनस ऊपर चले गया तो ये 10^-1/3 यानी 0.3 तो इंटू 10^-3 यानी समझो 0.0003 इतनी वैल्यू निकलती है रिलेटिव।
हेलो सर, जीरो पॉइंट। हाँ बोलो, आइए। अरे सर, ये आंसर कैसे निकला? ये आंसर जो है ना, वो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन करोगे आप, ठीक है? तो जब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर निकालते समय में आप लोगों को जो मोर प्रिसाइज टर्म है उसको ज्यादा लिखनी पड़ेगी, है ना? मोर प्रिसाइजली इसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियरली दिखाई देगा। अभी हालांकि जो हमारे मेजरमेंट थे उसमें जो रिलेटिव एरर था वो 0.00, यानी अगर समझो वो दो डेसिमल पॉइंट के बाद में होगा ना, तो ये चार के बाद में निकलेगा, है ना? एक लॉजिकली बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारे कैलकुलेशन सही है या गलत है वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर हमारी वैल्यू दो डेसिमल पॉइंट के बाद में है, तो हमको रिलेटिव एरर का आंसर हमेशा चार डेसिमल पॉइंट के बाद में मिलेगा। सर हाँ बोलो। सर मेरे डेल्टा ए मीन की वैल्यू 0.01 आई है। 0.01 आई है? कैसी आई? तूने पहले क्या वैल्यू ली? 0.01 पहले इसमें एरर था, सही था कि नहीं? हाँ। वो प्लस में आया। हाँ। दूसरे इसमें 0.05 था। हाँ। तीसरे इसमें ये माइनस में आया कि प्लस में आया? माइनस में। माइनस माइनस में है, लेकिन मैंने किस में लिखने के लिए बोला? प्लस में। प्लस में दूसरी बार में क्या आया? पॉइंट वन। वैल्यू क्या थी? पॉइंट वन था। माइनस में था ये भी? हाँ। कि प्लस में था? माइनस में। माइनस में, लेकिन फिर भी किस में लिखना है अपने को? प्लस में। प्लस में। उसके बाद 0.08 था। हाँ। तो 0.08 था, इसकी वजह से 0.03 आंसर निकलता है माइनस में, लेकिन लिखना है आपने को प्लस में। हाँ। ठीक है, और लास्ट में जो आंसर था वो 90 था, तो उसकी वजह से आंसर आता था 0.05 कर। हाँ। लो ये पांच और ये पांच कितने हो गए? 10, और 10 और ये पांच 15 हो गए। हाँ। कितने हो गए? 15। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, तो कितना आएगा? 3। हाँ, अब आया। हाँ सर, अब लग गई। हाँ चल, तो इसी तरीके से। तो अब मेरे ख्याल से रिलेटिव एरर निकालना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। सबने निकाल लिया? कितना है रिलेटिव एरर का आंसर? चमकाओ जल्दी। 0.03 0 0 0 आए क्या? कैलकुलेशन कैलसी से भी कर लो तो दिखाई देंगे तुमको। 0.003 आया क्या? हाँ सर आया। स्पार्क हुआ। हाँ चलो, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.03 और आप लोगों को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी अगर होती है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए ऐसा देखो कि करो, अगर थोड़ी सी अगर मदद मिलती है तो हम उसके थ्रू अगर पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं तो हमसे बड़ा और 30 मार्क का कोई नहीं हो सकता, ऐसा फील तुमको आएगा। फिर तुम अपनी खुद ही की पीठ थपथपा के बोलोगे, यार नहीं, मेरा खुद ही का दिमाग चलता है, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। तो वो वाला जो फील है ना, वो हमेशा आना चाहिए, है ना? तो इसीलिए प्रैक्टिस कर लो रिलेटिव एरर। आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कुछ लोगों को ज्यादा स्पीडीली हो गया है, समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल घबराओ मत, समय रहते हुए सभी चीजें आ जाएंगी आप लोगों को, है ना? तो ज्यादा घबराने की चीजें नहीं है। देयर इज नो नीड टू इंक्रीज योर हाइट विड्थ। आई एम नॉट अ डॉक्टर टू रिपेयर यू, आई एम जस्ट अ फैकल्टी। तो मैं आपको सब्जेक्ट
से डरना नहीं है ये सिखा सकता हूँ, बाकी अगर आपके अंदर में कूट कूट के डरना भर रहा होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है ना। तो चार सलाइन अगर ले लो तो हम लोग भी ग्लूकोज के इंजेक्शन दे ही सकते हैं ना, तो घबरा मत, अगर नहीं आता है तो वो भी लगा देंगे। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। एंजॉय 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 द बाय। चलो कल का दिन फुल्ली एंजॉय करो, हम लोग मिलेंगे भी नेक्स्ट थर्सडे को। ओके चलो बाय सर। बाय सर। बाय।